आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल की नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के हमारे वीडियो है जियो की इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपनी जियो की इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे फ़ोनों में यार जियो की इंटरनेट स्पीड बहुत ही कम आती है और बहुत सारे फोनों में जियो की इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा आती है। तो वो कैसे आती है मैं आपको सब डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है। तो नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे सेटिंग्स होती है, जैसे कि प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप होता है, एक्सेस पॉइंट नेम्स होता है, जो जिसे हमें बराबर ठीक तरीके से रखना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले वो कैसे रखते हैं। तो पहले आपको अपने सेटिंग में जाना होगा, मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे आपको मोबाइल नेटवर्क आएगा, जो कि मेरा रेडमी का फ़ोन है तो यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन, डायरेक्टली मेरे सिम कार्ड में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स, आपको मोर में जाके आपको मोबाइल नेटवर्क्स मिलता है बाकी सारे दूसरे फ़ोन में। तो पहले हम मोबाइल नेटवर्क्स में जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद में हमें दो सिम है यहाँ पे, अगर आपका भी ड्यूबल सिम है तो आप जियो 4G का जो भी है जियो 4G के ऊपर आप जाके क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं। एक तो एक्सेस पॉइंट नेम जिसे हम APN कहते हैं, और दूसरा है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, और तीसरा है मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको दो ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। अगर हमारा नेटवर्क स्लो आता है तो हम डायरेक्टली एक्सेस पॉइंट नेम्स चेंज कर देते हैं, यानी कि रिसेट टू डिफॉल्ट पे कर देते हैं। पर आपको मैं बताता चाहूँगा कि प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में मैंने प्रेफर LTE यानी कि डायरेक्टली LTE पे रख दिया है। यहाँ पे प्रेफर 3G प्रेफर 2G यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप बहुत सारे फ़ोनों में ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लेके जाके। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोनों में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप बहुत से सारे दूसरे फ़ोनों में आपको यहाँ पे दिखाया जाता है 2G 3G 4G, और यहाँ पे 2G 3G 3G 2G ऑप्शन क्या ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2G 3G 4G पे क्लिक करते हैं, जबकि वहाँ पे ये यहाँ पे तो 4G का ऑप्शन नहीं है, पर बहुत सारे फ़ोनों में डायरेक्टली 4G और डायरेक्टली LTE का ऑप्शन आता है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आता है डायरेक्ट LTE या फिर 4G, तो आप 2G 3G 4G रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में डायरेक्ट अगर 4G या फिर LTE का ऑप्शन बता रहा है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में, तो आप डायरेक्ट LTE या फिर 4G पे ही रखिए, क्योंकि 2G 3G की तो सिम हमारी जियो की है नहीं, तो फिर हम उस पर रखें क्यों। तो डायरेक्टली हम 4G पे रखें। अगर आपके फ़ोन में 4G का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता है तो जब भी आप 2G 3G 4 पे ऑप्शन पे रखिए प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी 4G की सिम है तो, आप जो कि तो 4G की सिम है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी थिंग क्या करना है, आपको अपना एक्सेस पॉइंट नेम चेंज करना है, यानी कि चेंज मतलब रीसेट टू डिफॉल्ट पे करना है। डिफॉल्ट सेटिंग इज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर आपको इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा होना है और बहुत ही अच्छे होना है तो आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि जियो की इंटरनेट की सेटिंग में जाके उसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे APN सेटिंग में जाके नेम जियो 4G वगैरह, तो हमें रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके फ़ोन में भी आएगा ऑप्शन ये, तो रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर लीजिए आप। जैसा है इस पर क्लिक करेंगे वो उसकी डिफॉल्ट APN सेटिंग रख देगा। तो यहाँ पे देखिए रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग कंप्लीटेड। तो इस तरीके से दो ऑप्शन आप कर लीजिए, आपका जियो की इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरी पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्पीड ये करने के बाद भी नहीं होती है ज़्यादा फास्ट, तो आपको एक ही काम करना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी सिम यानी कि जो जियो की सिम है उसे बंद करना होगा, फिर 30 सेकंड्स के बाद में फिर उसे ऑन करना होगा, ताकि वो फिर से रिफ्रेश हो जाए और आपकी इंटरनेट स्पीड ज़्यादा हो जाए। ये प्रॉब्लम मुझे भी होता था जियो का नेटवर्क की स्पीड से रिलेटेड, तो मैंने भी ये काम करना शुरू कर दिया है। और मैं बहुत बहुत ही दिनों से काम करता हूँ, तो मुझे भी अगर नेट कम आता है तो मैं भी ऐसा प्रीपेड नेटवर्क टाइप तो मेरा ऑलरेडी LTE पे है, एक्सेस पॉइंट नेम को मैं रिसेट टू डिफॉल्ट करता हूँ। सेकेंड थिंग मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेटवर्क को या जो सिम है उसे ऑफ करता हूँ और थोड़ी देर में ऑन करता हूँ, तब मेरी ऑटोमेटिकली स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आप भी इस तरह से अपनी सेटिंग्स को देख लीजिए, नेटवर्क सेटिंग को इस तरह से चेंज कर लीजिए, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप भी देख लीजिए और रिसेट टू डिफॉल्ट APN सेटिंग कर लीजिए, आपका भी इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार करके देखा है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंटरनेट हो गया है। आई होप आपको ये देखकर और जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।